नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करते हैं कि भगवान महाकाल के आशीर्वाद से आप बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपके जीवन की एक एक पोल ना खोल दूं तो फिर कहना जी हाँ दोस्तों बस आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर तक ध्यान से देख लेंगे तो दोस्तों हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप अपने जीवन काल की सच्चाई को जानकर बिल्कुल ही दंग हो जाएंगे जी हाँ दोस्तों आपके जीवन काल की हर एक सच बात इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपके जीवन काल में समस्या क्यों आ रही है समस्या का क्या समाधान है कौन से लोग आपके दुश्मन हैं क्या आपके लिए अच्छा है क्या आपके लिए बुरा है क्या आपको करना चाहिए क्या आपको नहीं करना चाहिए जी हाँ दोस्तों आपके जीवन काल के सारे पोल एक एक करके आज की इस वीडियो में हम खोल देंगे दोस्तों हम आप सभी को बस यही निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि इतनी बड़ी वीडियो बहुत ही मेहनत करके हमारी टीम द्वारा निर्मित किए जाते हैं जी हाँ दोस्तों जिनमें बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है और दोस्तों आप इन्हें शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे और यह ज्ञान को आपने जीवन काल में प्राप्त करके सफल हो जाएंगे तो दोस्तों हमारी भी मेहनत हमारा भी पुण्य का घड़ा भर जाएगा जी हाँ दोस्तों वीडियो तो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा दोस्तों हम आपको बता दें कि आज की इस वीडियो में जो बातें आपको पता चलने वाली है दोस्तों इन बातों को किसी और के साथ बिल्कुल भी शेयर न करें और साथ ही बता दें कि वीडियो को बिल्कुल ही आप शांत होकर अकेले में देखें जहां दोस्तों उससे पहले दोस्तों जो भगवान महाकाल के सच्चे भक्त हैं तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा से लाइक अवश्य कर दें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में सच्चे जीवन से भाव से जय महाकाल जरूर लिख दें जिससे कि महाकाल का आशीर्वाद आप सभी को को प्राप्त होगा तो आइए दोस्तों वीडियो शुरुआत करते हैं दोस्तों आपके अंदर सबसे पहला गुण यह है कि आप जो है कि दोस्तों बहुत ही कठोर दिल के इंसान होते हैं जी हाँ दोस्तों कभी भी आप किसी से कम नहीं समझते जी हाँ दोस्तों नंबर दूसरा आपके अंदर छल और कपट देखने को कभी भी नहीं मिल सकता जी हाँ दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है जो व्यक्ति आपके साथ छल करते हैं आपने माफ भी कर देते हैं नंबर तीसरा की आप लोग धर्म में बहुत ही ज्यादा आस्था रखते हैं भक्ति भाव पर आपको बहुत ही ज्यादा विश्वास होता है नंबर चार आपकी राशि के जितने भी जातक हैं उनके अंदर कभी भी भेदभाव और लालच देखने को नहीं मिलती आपकी राशि के जातक कभी भी किसी चीज की लालच नहीं करती जो भगवान ने दिया है उसी में आप खुश रहते हैं आपका मानना है कि भगवान जो भी हमें देना चाहता है हमें वह स्वीकार है आप किसी के धन दौलत को देखकर किसी के तरफ उनकी खुशियों को देखकर निंदा नहीं करते सिर्फ अपने कर्म को करते रहते हैं और अपने कर्म पर विश्वास करते हैं और जो मिलता है उन्हें आप बहुत ही इच्छा से स्वीकार करते हैं नंबर सिक्स आपके राशि के जितने भी जातक हैं हमेशा खुशी जीवन व्यतीत करते हैं बले इनके जीवन काल में बहुत ही ज्यादा भागदौड़ बहुत ही ज्यादा चिंताएं होती है लेकिन फिर भी आपकी जीवन में हमेशा आप अपने कर्मों के अनुसार अच्छे खुशियां ढूंढ ही लेते हैं और दोस्तों आपके कर्म के अनुसार सफलता अवश्य मिलती है इस उपरांत दोस्तों नंबर सात गुण यह है कि आप लोग कभी भी बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाते जो विकार आप लोग करना चाहते हैं दोस्तों पहले आप उसकी जड़ तक जाते हैं उसके बाद ही कोई निर्णय लेते हैं और दोस्तों यह आपकी सबसे अच्छी आदत है और इन्हीं आदत से दोस्तों आपको मान सम्मान भी प्राप्त होता है और दोस्तों नंबर एट आप लोग बहुत ही ईमानदार होते हैं किसी का कभी भी दिल नहीं दुखाते उनके दर्द को समझते हैं दूसरों की मुश्किल परिस्थिति में आप साथ देते हैं जो की दोस्तों भगवान भी आपके कर्मों को देखते हैं इसी कारण दोस्तों आपको भी भगवान हर रास्ते हर कठिन मुश्किल काम को आसान कर देते हैं जी हाँ दोस्तों और दोस्तों नंबर एट आपके द्वार पर कोई भी गरीब आदमी कोई भी भिक्षा भी मांगने आते हैं तो दोस्तों उसको खाली हाथ कभी भी नहीं लौटाते उसको कुछ ना कुछ देकर ही भेजते हैं जी हाँ दोस्तों नंबर नौ दोस्तों आप लोगों को उठना बैठना रहन सहन लोगों का बहुत ही पसंद होते हैं इसी कारण दोस्तों लोग आपसे विश्वास भी रखते हैं आपसे प्रेरणा भी करते हैं नंबर दस दोस्तों आप दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा लकी साबित होते हैं दोस्तों आपको देख कर कोई लोग कुछ शुभ काम करने के लिए जाते हैं तो दोस्तों वह शुभ काम हो जाता है जिसके कारण दोस्तों आपको लोग हमेशा देख कर ही जाते हैं और दोस्तों इसी कारण दोस्तों आपको भी लोग पहचानते हैं दोस्तों आपके अच्छाई के कारण दोस्तों लोग आपको बहुत ही अच्छे मानते हैं विश्वास रखते हैं जी हाँ दोस्तों यही अच्छे कर्तव्य के कारण दोस्तों भगवान भी हैरान हो गए हैं आपकी मेहनत को देखकर जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जीवन में तो बहुत सारी समस्या है लेकिन दोस्तों उन समस्याओं का हल हर कोई इंसान नहीं कर पाता आधे अधूरे कार्य में हर इंसान थक हार जाते हैं वह शक्ति खो बैठते हैं लेकिन दोस्तों इन सभी के बावजूद आपने पिछले समय में कुछ ऐसे कार्य किए हैं कुछ ऐसे कार्यों का निर्माण किए हैं जिनमें दोस्तों भगवान आपसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए हैं वह आपको अपना सच्चा भक्त स्वीकार लिए हैं जी हाँ दोस्तों पिछले समय की आपकी कार्य को मेहनत के दौरान ईश्वर को याद करना ईश्वर की भक्ति भरा भाव रखना आपके जीवन काल को ईश्वर को प्रसन्न कर दिए हैं और दोस्तों अब आपके आने वाले जीवन काल में प्रत्येक क्षेत्र में दोस्तों भगवान आपको चमत्कार दिखाने वाले हैं आपको कर्मों का फल देने वाले हैं आपके घर के माहौल में पारिवारिक जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में बड़ी बड़ी खुशखबरिया देने वाले हैं जी हाँ दोस्तों दोस्तों आज कोई खुशखबरी मिलेगी घर में कोई मांगलिक कार्य संबंधी योजना भी बनेगी नजदीकी मित्रों और रिश्तेदारों के साथ गेट टुगेदर रहेगा सुखनामा व्यतीत होगा तो साथ दोस्तों ध्यान रखें कि किसी नजदीकी मित्र और सम्बन्धियों के साथ संबंध खराब ना होने दें इसके लिए आपको उचित प्रयास करने होंगे विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें आलस को अपने ऊपर हावी न होने दें कारोबार में स्टाफ का उचित सहयोग बना रहेगा साझेदारी के व्यवसाय में भी आज कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ला नौकरी पेशा लोगों का उच्च अधिकारियों के साथ किसी बात पर तनाव रह सकता है गुस्से की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का हाल निकालें आपको अवश्य सफलता मिलेंगे दोस्तों कोई खास निर्णय लेने में सामंजस्य की स्थिति रह सकती है ऐसी स्थिति में किसी भी काम में दिल की बजाय दिमाग की आवाज को प्राथमिकता दें। अपनी क्षमता पर विश्वास रखकर काम करने की आपकी परेशानियों का हल निकलेगा विपरीत परिस्थितियों में तनाव लेने की बजाय स्वाब में सहायता बनाकर रखें यह या समय यात्रा करना उचित नहीं है क्योंकि सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना नहीं है तो इन दिनों का जो समय होगा जीवन साथी और परिवार जनों का सलाह आपके लिए फायदेमंद रहेगा प्रेम सम्बन्ध में भी भावनात्मक नजदीकियाँ बढ़ेगी परिवार में आपसे सामंजस्य का भाव बना रहेगा युवा व प्रेम सम्बन्ध में अपना समय नष्ट न करें अपने कैरियर पर ही ध्यान दें तनाव और थकान का प्रभाव आपकी कार्य क्षमता पर हो सकता है कुछ में खुद के लिए भी व्यतीत करना जरूरी है दोस्तों आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा सिर्फ अत्यधिक व्यस्तता की वजह से थकान हो सकता है दोस्तों बात करते हैं एक उपाय के बारे में जिसे कि दोस्तों यह उपाय कर लेंगे तो आपके आने वाले जीवन में कोई भी परेशानी हो कोई भी समस्या हो तो दोस्तों चुटकियों में महाकाल समाप्त कर देंगे जी हाँ दोस्तों दोस्तों सोमवार के दिन 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है जी हाँ दोस्तों आज के दिन शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध चढ़ाना भी एक कारागार उपाय माना जाता है तो अब महाकाल के सच्चे भक्त हैं, तो सोमवार के दिन दोस्तों स्नान धान करके सफेद वस्त्र पहनकर ही पूजा करें जी हाँ दोस्तों इस दिन जरूरतमंद को सफेद रंग की खाद सामग्री दान करें इससे दोस्तों आपके आने वाले जीवन काल में महाकाल की कृपा बरसती रहेगी महाकाल आपके हर परेशानी में खड़े रहेंगे जी हाँ दोस्तों तो महाकाल का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें धन्यवाद